तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 हाई स्कूल एनिमे जहाँ तुम्हें हारेम देखने को मिलता है, और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो देख लेना। नंबर 1 सीरन। देखो आज मैं तुम्हें 5 एनिमे बताने वाला हूँ, लेकिन ये एनिमे बाकी 4 एनिमे से एकदम अलग है और इसका अलग होना ही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। बाकी 4 एनिमे के अंदर तुम्हें एक प्लॉट पकड़ा दिया जाता है, एक लड़का कई लड़कियों के साथ में है और वो सभी के साथ चीजें सही करने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरीके से पूरा एनिमे निकल जाता है। लेकिन ये अलग है, अगर तुमने कोकोरो कनेक्ट देखा है तो समझ जाओ इसमें भी तुम्हें उसी तरीके से स्टोरी देखने को मिलेगी। वो फैंटेसी वाला एलिमेंट नहीं, लेकिन हर 4 एपिसोड के बाद उसके अंदर जो स्टोरी थोड़ा सा बदल जाती थी वो तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी है हाई स्कूल स्टूडेंट कामिता की, जो अभी अपने लाइफ के उस स्टेज पर है जहाँ उसका पूरा दिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। अभी उसके इमोशंस भी उसके कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि इसी पीरियड में वो पहली बार किसी से अट्रैक्ट भी हो रहा है। तो कामिता की लाइफ में 3 लड़कियां हैं जिनके साथ वो किसी फ्यूचर की उम्मीद करता है, हिकारी, सोने की, तोरु मियामे एंड क्योका तोनो। इस एनिमे के अंदर टोटल 12 एपिसोड है और हर 4 एपिसोड के अंदर तुम्हें अलग लड़की के साथ कामिता की देखने को मिलेगी। नंबर 2 सफल। 2 मैजिकल डोर जो अचानक से ही अर्थ पर ओपन हो गए। इन डोर्स ने डीमंस, गॉड एंड ह्यूमंस सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया है और अब धरती पर ये सब साथ में रहना शुरू कर चुके हैं। सोची मिरेन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बड़ी आराम की लाइफ जी रहा था कि तभी उसके घर के बगल वाले दोनों घरों में एक डीमन फैमिली एंड एक गॉड्स की फैमिली आके रहने लगी है और उसकी जिंदगी के हर तरीके से लग चुके हैं, क्योंकि दोनों ही फैमिली की लड़कियों को ये बनना चाहिए। इससे हमको क्या पता चलता है, इंसान को खुद को कम नहीं समझना चाहिए। डीमन किंग एंड किंग ऑफ गॉड की डॉटर एक इंसान के लिए पागल हो रखी है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, अच्छा खासा रोमांस भी डाला गया है, और तुम इतना तो समझ ही सकते हो एक डीमन अपने हीरो के लिए परेशान है, तो इसमें तुम्हें गुड डीमन एंड बैड डीमन के बीच फाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। नंबर 3 मायोचिकी डोंट फियर द हाउसकीपर। केंजिरो साकामिची हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी मदर एंड सिस्टर से पूरा दिन मार खाता है क्योंकि उन्हें रेसलिंग पसंद है। वो इस पर अपने मूव्स ट्राई करती है, तो इन दोनों की वजह से एक चीज तो हुई है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि अब लात घूसे पड़ने पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक बार को तो वो किसी कार एक्सीडेंट को भी झेल जाएगा। लेकिन इसी के साथ उस पर इन दोनों की वजह से एक गलत असर भी पड़ा है, उसे गायनोफोबिया हो गया है। जिन लोगों को ये गायनोफोबिया होता है उन्हें फीमेल से डर लगता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट की तो तुम बात ही छोड़ दो। तो समझो अगर साकामिची किसी लड़की को गलती से भी टच कर लेता है तो उसे नोज ब्लीड हो जाता है, उसे स्वेटिंग होती है और कई बार वो बेहोश भी हो जाता है। तो लाइफ तो इस लड़के की पहले से ही बर्बाद है, वो और ज्यादा बदतर और हो गई जब एक दिन वो रेस्ट रूम में स्कूल के मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट से टकरा गया। ये स्टूडेंट हेडमास्टर की डॉटर कनाडे का बटलर है, लेकिन मेन बात ये नहीं है, बात ये है जो ये बटलर है असल में ये एक लड़की है जो लड़का बन के घूमती है। तो यहाँ साकामिची को एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल चुका है, और जब ये रेस्ट रूम वाली बात कनाडे को पता चली तो उसने साकामिची से प्रॉमिस किया अगर वो इस बात को सबसे छुपा कर रखेगा तो वो इसकी गायनोफोबिया को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। देखो मुझे भी पता है इस एनिमे के प्लॉट का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन इसे देखने में तुम्हें मजा आने वाला है, ये बात पक्की है। नंबर 4 रीराइट रीराइटिंग नेचर। काजा मात्सुरी मॉडर्न जापान की वो सिटी है जहाँ सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंट को बराबर तरीके से वैल्यू दी जाती है। तेनोजी कातोरो अपनी 2 दोस्त कोतोरी एंड योहिनो के साथ इसी सिटी में एक पीसफुल लाइफ जी रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही सब बदल गया। देखो बात क्या थी, तेनोजी को अपने आर्टिकल के लिए रिसर्च करनी थी और उसने अपने रिसर्च के लिए चुना हर साल होने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये स्कूल फेस्टिवल के जैसा ही एक इवेंट है, लेकिन तेनोजी ने फिर भी अपनी रिसर्च के लिए इसे ही चुना क्योंकि शहर में रूमर्स थे यहाँ कोई अजीब सी चीज घूम रही है जो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तेनोजी को पता था ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये उसके आर्टिकल के लिए काफी कमाल का टॉपिक हो सकता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जिसके साथ सबसे पहले अजीब सी चीजें शुरू हुई वो खुद तेनोजी है, और अब उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है हाइकाने सैंडरी की, ये ओकल्ट रिसर्च क्लब की मेंबर है और ये एक बिच है। अब तुम्हें देखना ये है, क्या तेनोजी अपने फ्रेंड्स एंड सैंडरी की हेल्प से पता लगा पाएगा कि आखिर क्यों उसे ये सारी चीजें फील हो रही हैं, उसका इस सब से कनेक्शन क्या है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें ठीक ठाक सा प्लॉट, अच्छे कैरेक्टर डिजाइन एंड ब्यूटीफुल कलर्स से भरे हुए सीन्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5 बोकुबेन बी नेवर लर्न। योगा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल से स्कॉलरशिप पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से आता है और उसके पास फीस भरने के
के पैसे नहीं है। और यही सब देखते हुए उसके स्कूल ने उसके सामने कंडीशन रखी है, अगर वो अपनी दो ब्यूटीफुल क्लासमेट्स ब्यूटीफुल पर फोकस किया जाए, उनके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर दे तो वो उसे स्कॉलरशिप दे देंगे। लेकिन उसकी ये क्लासमेट्स ओगाटा एंड फुरुवासी दोनों ही उस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहती है जिसके बारे में इन्हें क्लू तक नहीं है, लेकिन युगा को कैसे भी करके इन्हें पास कराना ही होगा अगर उसे स्कॉलरशिप चाहिए। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगी तीन लड़कियां जो एक लड़के के चक्कर में पड़ी हुई हैं एंड डबल मीनिंग डायलॉग्स जिनके हम एक्सपर्ट हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।